ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කතා නම්බර් 68 या 68। ये जो कथा है ये बिंबिसार के समय की है और बिंबिसार को एक व्यक्ति माला बेचता था, फूलों का जो सामान है वो बेचता था, मालाकार यानी कि जो माला बनाता था या माला जैसी चीजें फूलों की बनाता था। आपने हेमा मालिनी का नाम सुना होगा, जो हेम है उसको पाली में सोना बोलते हैं यानी गोल्डन जैसी चमकती हुई चीज, और मालिनी जो बोलते हैं जो माला पहनती है यानी उसको मालिनी बोलते हैं, और जो व्यक्ति होता है आदमी होता है उसको मालाधर या मालाधिपति बोलते हैं। ये कहानी सुमन मालाकार की है। सुमन मालाकार बिंबिसार को, राजा बिंबिसार को रोज फूल बेचता था, फूलों की बनी हुई चीजें बेचता था, जैसे माला चुंबटक या पुफ चुंबटक। पुफ चुंबटक बोलते हैं बुके को और माला चुंबटक बोलते हैं गजरे को। तो वो सारे के सारे फूलों की राशि यानी फूलों का ढेर या फूलों की माला वो सारी उनको बेचता था। ये उसका रोज का पैसा था, रोज जाके बेचना है और पैसा लेना है। उसको इससे बड़ा राग हो गया, बड़ा लगाव हो गया। वो पूरी सुबह उठ के सुबह ही 4 बजे जाता था, बहुत सारे फूल तोड़ के लाता था और फिर उनको बना के और बहुत तेजी से उनको देख जाता था। ये लालच उसका दिन पर दिन बढ़ गया और उसको ये लगा कि कहीं कोई और फूल वाला ना आ जाए, मेरी रोजी रोटी ना मारी जाए, इसलिए वो उस काम के अलावा कोई और काम जीवन में सोच ही नहीं पाता था। एक दिन वो अपने काम में मगन और फूलों की माला लेके और फूलों का जो चुंबटक था, माला चुंबटक या पुफ चुंबटक लेके दौड़ा दौड़ा जब बिंबिसार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि भगवान बुद्ध कहीं देशना दे रहे हैं। उसे लगा कि यहाँ इतने सारे भिक्खु हैं, भगवान कुछ कह रहे हैं तो सुनना चाहिए क्या है। एक सेकंड के लिए वो ठहरा और वो एक सेकंड उसकी जिंदगी को बदल गया। उसने जो वो देशना सुनी और जो उसने भगवान बुद्ध की बातें सुनी, उसका मन इतना शांत हुआ, इतना बढ़िया हुआ कि उसका सारा राग जाता रहा, निकल गया। अब उसे राजा को फूल बेचने की कोई जल्दी और कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिकते हैं तो बिके, ना बिकते हो तो ना बिके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राग उसका जाता रहा। उसको इतना ज्यादा कृतज्ञता हुई, इतनी ज्यादा भाव विभोर हुआ वो कि उसने वो सारे जो फूल और जो मालाएं थी वो भगवान बुद्ध के पैरों में डाल दी, उन पर बरसा दी। अब भिक्खु का या भिक्खु संघ का फूलों से क्या लेना देना, क्योंकि भिक्खु संघ तो जो गंध है या माला है या लेपण है यानी जो तेल वेल लगाते हैं शरीर पे वो है, या कोई खुशबू का सामान लगाते वो है, या कोई गंध है, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो बहुत दूर होते हैं। गंध उन्हें ना छूती है, ना माला के रंग या फूलों का रंग उन्हें आकर्षित करते हैं, वो देखते सब हैं मगर कोई चीज उनके मन में आकर्षण नहीं पैदा कर पाते। तो उसने अर्पण कर दिए अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपनी खुशी के लिए। भगवान ने उसका कोई उत्तर ना दिया और वो अपने काम में लग रहे। राजा बिंबिसार की रानियों को, राजा बिंबिसार को फूल नहीं मिले। खबर मिली कि जो फूल राजा बिंबिसार के लिए लेके आता था वो उसने भगवान बुद्ध के ऊपर चढ़ा दिए, दे दिए उनको, उनके ऊपर गिरा दिए। राजा बिंबिसार चूंकि स्वतःपन था वो समझ गया, उसने उसको बुलाया सुमन मालाकार को, और सुमन मालाकार को उसने उस दिन के फूल के पैसे दिए। क्योंकि राग निकल गया, अच्छाई हो गई, तो अच्छाई का रिजल्ट भी तुरंत आ गया। राजा समझदार था, उसने उनके इस कृत्य को बहुत अच्छा कृत्य बताते हुए कहा कि ये जो कृत है ये इतना अच्छा कृत आपने किया है, इसके लिए आपका शुक्रिया है। ये बात भगवान बुद्ध के साधने में आई कि ऐसे ऐसे उसको पैसे दिए। भिक्खु ने उससे पूछा कि ये क्या हुआ, जबकि राजा को गुस्सा करना चाहिए था, राजा को दंड देना चाहिए था कि राजा के फूल उसने भिक्खुओं पर चला दिए या भिक्खुओं को नौशावर कर दिए, पर वहां तो उसको इनाम मिला। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, गाथा नंबर 68। तंच कम्मंग कतंग साधु, तंच माने तय और चे, तय माने वह और कम्म कतंग जो कम है किया हुआ है काम है, कतंग माने किया हुआ, कम माने काम, साधु माने सही, यानी कि वह जो और जो वह सही काम है जो किया हुआ है। यंग कत्वा नानुत्तपति, यंग माने जो, कत्वा माने करके,
नानुतप्ति का मतलब है ने अनुतप्ति, यानी कि वो जो काम है जो सही किया हुआ है उसे करके अगर ने अनुतप्ति, अगर कोई नहीं तपता है, अनुसार नहीं तपता है का मतलब है कि उसको गर्मी नहीं आती है, उसको पश्चाताप नहीं आता है, उसको रिग्रेट नहीं आता है, उसको उसका मन व्यथित नहीं होता है, संताप नहीं होता है। यस पतितो सुमनो, यस माने इसके लिए जो कि जिसका, और पतितो सुमनो माने प्रसन्न चित्त से सुमनो। प्रसन्न चित्त से सुमनो का यहां दो मतलब है, यानी कि प्रसन्न चित्त से जो सुमन ने काम किया वो, या प्रसन्न चित्त से जो सुमन वाने फूल हैं वो। तो यहां दो तरह से है, यानी सुमन का मतलब है प्रसन्न चित्त से और सुमन से, अच्छे मन से, और सुमनो का जो मन है इसका मतलब है सुमनो ने जो प्रसन्न चित्त से ये काम किया। विपाकंग पटी सेवती, विपाकंग पटी सेवती का मतलब है विपाक माने परिणाम को, पटी सेवती परिणाम को सेवन करता है, मिलता है, यानी कि जो अच्छे मन से किया हुआ, प्रसन्नता के साथ किया हुआ अच्छा काम है उसको करने के बाद कोई भी प्रायश्चित नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता, और उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं जिनका आदमी सेवन करता है। ये इस कहानी का अर्थ है, सार है। दरअसल माला बनाने का जो काम है वो बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले बहुत ज्यादा भारत में होता था, इसलिए पुफ वग पूरा पूरा एक वग फूलों के लिए ही समर्पित है। फूलों के रंग और फूलों की माला, फूलों का गच्छा और फूलों की गंध और फूलों का गंध का काम, क्योंकि गंध भी बेचने वाले लोग बहुत सारे हुआ करते थे, पहले एक जिक्र आ चुका है धम्मपद के अंदर, जो गंध का व्यापार करते थे, जिनको गंधी बोला करते थे या गांधी आज भी समय में बोला जाता है। तो ये जो फूल बेचने वाले लोग थे ये जंगलों से फूल लाया करते थे और इसकी गजरा माला बना के पहना करते थे। जो आदमी पहनता था उसको माला धारी या मालाधर बोलते थे, और जो महिला पहनती थी उसको मालिनी बोलते थे। मालिनी यानी अगर सोने की है तो हेम मालिनी होगी, या पुफ है तो पुफ मालिनी होगी, या जास्मीन अगर पहनती है तो वो उसी के हिसाब से जास्मीन की मालिनी होगी, तो उसको मालिनी बोलते थे। माला के जो बहुत सारे हैं, क्योंकि धागे को गुणे बोलते हैं, माला गुणे और सूत भी बोलते हैं, धागा है सूत है, तो माला गुणे कई बार इसके अंदर आता है, इसमें माला बनाई जाती है। और ये ठीक ऐसे बनाई जाती है जैसे एक तले के ऊपर दूसरा तला, दूसरे तले के ऊपर तीसरा तला बनाया जाता है, यानी कि जो माल शब्द है, माल शब्द है वो इसी से बना हुआ है। एक शब्द तो है माल, पाली के अंदर माल का मतलब होता है आंगन, जो आप ये देखते हैं कि ये मॉल जो आज बड़े बड़े शहरों के अंदर जिसको हम मॉल बोलते हैं MALL, ये दरअसल पाली का शब्द है जिसको माल बोलते हैं। माल का मतलब है चौड़ा आंगन या बड़ा आंगन, इसको माल बोलते हैं। और अगर इसमें माल बोलते हैं इसको आधा ले और ले बोले माल, तो ये हो जाता है माला, यानी माल एक हम उसको भी बोलते हैं, जैसे मुंबई के अंदर बोला जाता है कौन से माले पर रहते हो, यानी कौन सी मंजिल पर रहते हो, कौन सी स्टोरी पर रहते हो, या कितने तल्ले की बिल्डिंग है आपकी, कितने उसके फ्लोर हैं। तो माल जो शब्द है वो माले के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर एक तल्ले के एक माल के ऊपर दूसरा माल और दूसरे माल के ऊपर तीसरा माल बनाया तो उसको माला बोलते हैं, तो ये माला वहीं से शब्द पड़ा हुआ है। और जो माला बनाने वाले लोग थे उनको मालाकार बोलते थे। मालाकार सिर्फ माल जो माला है या फूल है उन्हीं का काम करते थे, और कोई काम वो नहीं करते थे। खेत में जो काम करते थे वो किसक करते थे, कसक करते थे, यानी किसान करते थे। तो माला जो शब्द है इसके बहुत सारे आंध्र प्रदेश में लोग मिलेंगे जो माला है। माला शब्द की एक जाति भी है जो माला बनती है, और माली शब्द की भी एक जाति है। माली शब्द पाली में नहीं है, मगर माला बनाने वालों को ही माली बोला गया है, इनको मालाकार से माली का नाम दिया गया है। ये बहुत पुराने काम करने वाले हैं, क्योंकि जो बुद्ध है उनके समय तो कोई जातियां होती नहीं थी। मैंने अगर माला बनाना शुरू कर दिया तो मैं मालाकार हो गया, अगर मैंने कोई लकड़ी का काम शुरू कर दिया तो मैं कट्ठकार हो गया, जैसे कठमांडू होता है कठमंडप, जैसे काठमांडू आपने सुना होगा नेपाल की राजधानी, तो उसको कट मंडप से बना हुआ है, यानी कि जो काष्ठ का है कट का लकड़ी के मंडप में बड़े बड़े मंडप वहां बने हुए हैं तो उसको काठमांडू बोलते हैं। तो वो कट्ठकार हो गए, यानी कट्ठकार को आज की डेट में बढ़ई बोलते हैं या कारपेंटर बोलते हैं, तो कट्ठकार हो गए। तो बेसिकली जो काम करता था, फैमिलियां काम बदलती रहती थी। मैंने अगर लकड़ी का काम किया है और मुझे लकड़ी का काम पसंद नहीं है तो मैं किसान का काम करूंगा, तो मैं खेतीहर हो जाऊंगा। खेतीहर का मतलब है क्षेत्रीय, बाद में बोला जाता था, खेतीय का मतलब क्षेत्रीय, तो मैं क्षेत्रीय हो जाऊंगा, मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा, तो बाद में वो क्षत्रिय हो गए जो खेतीय थे, क्षेत्रफल पे काम करते थे तो क्षेत्रीय हो गए, खेतीय भी बोल सकते हैं। इस तरह से जो मालाकार है वो सिर्फ फूलों का काम करते थे, और ये कोई पेटेंट नहीं था कि मालाकार का बेटा ही मालाकार काम करेगा, जो करेगा वो मालाकार
और जो कोई और काम करेगा तो फिर उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ता था। ये उस समय की पूरी सामाजिक रचना है और ये बहुत बढ़िया रचना थी। इसमें जाति व्यवस्था उन दिनों नहीं थी, जाति व्यवस्था तो लगभग अभी 600-700 साल पहले डेवलप हुई है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.